तो जैसा कि आप देख रहे हो, आज हमारे पास एक छाछ की थैली, ये हमने जो नीम ऑयल बनाया था वो, और एक सिकड़ी और एक मटका। तो आज हम बनाने वाले हैं कीटनाशक। हमें ये कीटनाशक हर इसमें यूज कर सकते हैं, हर प्लान में इसे यूज कर सकते हैं। ये वाइट कीड़े से ग्रीन कीड़े से लड़ने में काफी अच्छा है, ठीक है। तो देखते हैं अब इसे किस तरह बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें एक छाछ की थैली लेनी है। आप देसी छाछ भी ले सकते हो, ये मेरा देसी छाछ है, मैंने इसे बाहर से खरीद के लाया है। आपके घर में अगर गाय हो तो आप डायरेक्टली वो यूज कर सकते हो और वो आपको सस्ता भी गिरेगा। तो इसे एक मटके में मैं डाल देना है। छाछ हमने इसके अंदर भर दी है। अब हमें इसे अंदर नीम ऑयल डालना है, वो भी गरम करके डालना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसमें गरम कर लेता हूँ। तो इसे हम भर लेते हैं पहले। तो अब मैं इसे गरम कर लेता हूँ, थोड़ा वेट करते हैं इसका गरम होने का, ठीक है। अच्छे से गरम हो गया है, अब हमें इसमें इसे डाल देना है। साथ में हमें इसके अंदर तांबे का जो ये जो है लोटा, वो भी डालना है। तांबे की कोई भी धातु हमें इसमें ऐड करनी है, ठीक है। अगर आपके पास नीम ऑयल ना हो तो आप सिर्फ तांबे की ये धातु जो है उसे भी आप डाल सकते हो सिर्फ, ठीक है। और अब मैंने ये अच्छे से गर्म कर लिया है, तो अब इसे हमें इसके अंदर डाल देना है, धातु के साथ ही इसके अंदर डाल देना है। ये हमारा अच्छे से गर्म भी हो गया था। अब हमने इसमें इसकी धातु डाल दी है, अब हमने इसे पैक कर देना है एक पॉलिथीन बैग से, जिससे इसमें बाहर की हवा ना जाए और इसकी जो बदबू है वो बाहर ना आए। तो इसे रस्सी से बांध देता हूँ मैं पॉलिथीन से पैक करके। अब इसे हम 7 दिनों तक ठंडी जगह पे रखेंगे, जैसे हमारा जो गोबर होता है उधर रख सकते हैं, या तो फिर नॉर्मली मिट्टी में रख देंगे, ठीक है। या तो आप इसे नॉर्मली रख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे नॉर्मली रख देता हूँ अभी तक, ठीक है। तो मिलते हैं अब 7 दिनों के बाद। तो दोस्तों 7 दिन के बाद अब हमें इसे खोलना है। फिर ना ये इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है, इसे हिला लेना है अच्छे से। याद रहे ये बनाने के बाद आप किसी भी एनिमल या बच्चे से इसे दूर रखना है, ठीक है। अब मैं इसे इसमें निकाल के इस बॉटल में स्टोर कर लूंगा। ये हमारा जो तांबे का जो हमने लोटा डाला था वो इसे निकाल लिया है, ठीक है। ये देख सकते हो ये तांबे का लोटा है। तो अब इसे हम हर 15 दिन में एक बार अपने प्लान में डालना है इसे, ठीक है। तो ये आपके कीट को भी मारने का काम करेगा और आपके प्लान के अंदर, आपके प्लान में अगर यूरिया की कमी हो तो ये यूरिया की कमी भी दूर कर सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।